जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अभी मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, पहले मैं धो लेती हूँ ना, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मेरे को बुखार है, धोने तो पड़ेंगे ना। वो धो दिए मैंने कपड़े। और पता है, बहुत है कपड़े, बहुत है धोने को, पर बादल आ गया है। वो ये धोए मैंने कपड़े यहाँ पे सारे, और ये देखो इस साइड को भी, परे को भी, और नीचे लगा हुआ है काम। और आज ना मौसम कुछ खराब है ऐसा लग रहा है, बारिश बताई एक दो दिन में। चार बज गए, चार से ज्यादा हो गया टाइम। मैं जा रही हूँ घास को, थोड़ा सा घास लेके आती हूँ हरा। मैंने गायों को अंदर बांध दिया और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा हरा घास लेके आती हूँ। और उसके बाद तो अभी ये देखो मैंने टैन डे और व्यू ले लिया है, तो मुझे लग रहा है ये भारी हो जाएगा। अरे खुल तो नहीं गया, तो मैं बांध लेती हूँ इसको पहले, इसकी गाड़ी। और मैं यहाँ पे आई हूँ कणक के खेत में। ये देखो यहाँ पे सारा दिन आज मैं बहुत थकी हूँ, पता है। चलो अब घर में जाके मिलती हूँ आपसे। काफी बड़ी गड्डी है, हरा भी हो गया सुबह के लिए, सूखा भी। तो अभी 5:30 हो गए, मैंने चाय बनाई काम वालों को। और अभी जो है मैं पानी गर्म ले रही हूँ, मैं जा रही हूँ गायों को दूने। दिखाती हूँ आपको थोड़ी सी गाय, थोड़ी सी गाय दिखाऊं। गायों को मैंने दूध दिया है अभी, और ये गोबर उठा रहे हैं। सुबह को भी ना भी बहुत हो जाता है, तो चलो मैं आप लोगों को नई गाय दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये हमारी नई गाय। बस मुंह सही बताऊंगी मैं आपको, मुंह जैसा ही दिखाऊं सी है कि बहन लग रही है ना। हेलो, अभी मैंने इसका नाम रखा है, जय माता दी। देखो बिल्कुल लग रही है ना, जो सिया की माँ थी ना वो सेम इसकी शक्ल की थी, बस ये थोड़ी छोटी है, वो ऊंची थी। और ये देखो, ये है हमारी नई गाय, ठीक है। अभी ना बस खा रही है, कुछ ऐसी ढंग से नहीं खा रही बेचारी, नई नई है ना, तो इस वजह से। ये देखो, ये मैं थोड़ी सी और दिखा देती हूँ। तो ये अभी बेचारी भूखी भी है ना, बड़ी कमजोर लगेगी आपको। और हमने ना अपनी बिंदु को ना यहाँ पे देखो कहाँ पे बांध रखा है, ये बढ़िया किया है, पता क्यों? बिंदु मेरी मस्त है, बिंदु मेरी बहुत मस्त मौला बच्चा है। पहले तो हमने इसको बांधा यहाँ पे जो नहीं है, पर ये ना फिर सो बेचारी बहुत रंभारी थी, क्योंकि ये आदत नहीं होगी ना। ये मेरा मस्त बच्चा है, इसको जहां मर्जी बांध दो ये सारे एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमने खुंडा गड्ढा है, ये देखो ये जो ये वाला पोर्शन है ना अलग से, बस थोड़े दिन और फिर यहाँ पे कमरे बनेंगे बढ़िया वाले। और सिया को, सिया भी दिखा देती हूँ ढंग से ही, बस हम 10 पिछले जी। सिया को 8वां महीना लग गया, थोड़ा सा दूध देती है, अब इसको छोड़ना पड़ेगा। 2 जो महीने होते हैं ना वो ड्राई पीरियड में रखने चाहिए हमेशा, तब जो हमारा पशु अच्छा से दूध देता है, ठीक है। आगे जो ब्यांत होता है ना, तो सेकंड लैक्टेशन में जो बच्चा देगी हमारी सी है ना, अच्छा दूध देगी अगर हम। अरे इन्होंने रड़रड़ी बहुत लगा रखी, बस करो, हटो हटो बेटा हटो। तो जो सेकंड उसमें देगी ना बच्चा, तो अच्छा दूध देगी जब हम इसको ये करेंगे 2 महीने के लिए ड्राई पीरियड में रखेंगे, ठीक है। फिर लोग क्या करते हैं ना, 2-2 महीने मतलब जब 5-7 दिन रहने ना सूने को, तब छोड़ ले। अरे इतनी जान कहाँ से खींचनी बेचारी इनकी, है ना।
तो ये देखो मैं आज मैंने क्या किया, मैं अभी टोके को जगा कर दूंगी और सुबह टोका खोलना है मेरे को। अभी तो गई हूँ मैं थक आज बहुत ज्यादा, कुछ गई गाड़ी नीचे से तो अभी तो मैं बहुत थकी हुई। देखो मैंने ये टंडे और ब्यूर लाया था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, वो ये है। और इस टाइम ये भी बहुत थके हैं, सारा दिन लगे रहते हैं मिस्त्रियों के साथ, तो भी सुबह चलो ज्यादा हो जाता है। तो ये रेते की गाड़ी ना यहाँ पे फिकवाई हमने, ये तोड़ा था, सुबह दिखाऊंगी इसको। तो मुझे कुम दिन से एक गरारी कदू दे से तू जा से चलाओ रहे ठीक करने तो बाद में नहीं। तो मेरे टोके में ना गरारी नहीं घूमती, तो हमने वहां पे थोड़ा सा ये किया है टोका। मेरे को सुबह उठ के गाय धुने के बाद टोका सही करना है, शाम को खाना भी बनता है। चलो वो तो होता रहेगा। और देखो चांद, चांद ये बहुत प्यारा दृश्य है भाई, आने वाला है चांद। चांद छुपा बादल में शर्मा के, और ये ना देखो ये चीज दिखा दूं आपको, कल दिखाऊंगी वैसे अच्छे से ना। नहीं आती आई नहीं आज पीतरे है तो ये लगी करने लिया था ले। तो ये ना ये हमने खिड़कियां दरवाजे बनाया, घर पे बुलाया था एक दिन मिस्त्री, तो कितने बढ़िया, वो बड़ा अच्छा काम करता है भाई। वो जो लास्ट में हमने बुलाया था ना भैया, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये खिड़कियां लगेंगी इतनी बड़ी बड़ी सी, तीन तीन बनवा दी हमने। चलो सही है, देखेंगे जो भी है। बाहर से ना इसमें जाली फिट करेंगे और अंदर से थैलियां लगाएंगे, सही है ना, देवांगे। क्योंकि फिर ऐसा होगा ना कि खिड़कियां नहीं अभी हमसे लगनी, हमारा बजट ऐसे ही है डाउन में चल रहा है। पर ये देखो यहाँ मसाला मिलाते हैं आजकल, ये मक्की जो हमने टैंकी में उल्टानी है, सुबह करवाती हूँ इस काम को, अगर कर देंगे ये लोग तो। ये बिछान बिछाऊंगी मैं अपनी गईयों के पास, पाल्टियां ले जाओ। और सुबह मैंने घास रूट के देना है, ये जो गाय लाई हमने ना, और हमारी गाय भी दूध से कम कैसे हुई, हमने ना रूट के बंद कर दिया देना घास, तो जो हरा वगैरह होता है ना वो तो जल्दी खा लेती है। तो मैंने सोच लिया है सुबह रूट के देंगे, सेवा करनी होती है भाई मेरी गाय जाने, गायों के लिए। देखो मेरी मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, आज गायों से मैंने शुरुआत करी थी कि मैंने गोहनी बनानी, गोहनी बनानी है ना, फिर बनाया ये वाला कमरा, उसकी वजह से बन गया घर, ठीक है। अब पॉजिटिव वे में लेती हूँ, अब फिर गायों के लिए ही सोच रही हूँ कि और ज्यादा बेटर, इससे और ज्यादा बेटर इनके लिए हो जाए। दूसरा रीजन है कि फिर ऊपर घर, फिर ऊपर कोई एक्स्ट्रा कमरा नहीं है, काफी है। पर पता है क्या है, हमने पाठ करवाना है और पाठ ना ऊपर नहीं होता, और दूसरे पंचायत से थोड़ी बहुत जो हेल्प मिलेगी, अगर लेट हो गए तो फिर बोली मारे को मिलनी थी, एक ही बार पड़ती है फिर गोइनो, फिर दिक्कत हो जानी थी। चलो थोड़ा बहुत पैसा वैसे ज्यादा अपने से लगता है, फिर चलो दो जो भी थोड़ी बहुत राशि मिलती है ना हो जाता है, सहारा हो जाता है, अंशदान होता है कि वो, तो उस वजह से वो भी गायों के लिए। तो मैं इन्हीं माओ के पास, मैं गाय को हमेशा अपनी माता समझती हूँ, माँ समझ के सेवा करती हूँ, पैर छूती हूँ सुबह जब भी यहाँ पे आती हूँ गोहनी में, तो मैं इनके पास मेरी अर्ज होती है, मेरी प्रार्थना होती है कि मुझे नहीं पता पैसे नहीं है क्या नहीं है कैसे करना है, तुम लोग जानो। तो इनका आशीर्वाद हमेशा सुन रही है मेरी सिया, छोटी सी सुन रही है, वो खड़े वहां पे देखो छोटी सी सुन रही है। तो ये सारी चीज होती है, ठीक है, ये करवाती है, खुद करवाती है, ये माता रानी है, ये करवा देती है। लोग सोचते हैं पता नहीं कितना की पैसा है, पैसा पूसा कुछ नहीं है, पहले अच्छा खासा ये हो जाता था कि चलो व्यूज वगैरह के हिसाब से, अब ना वैसे वीडियो बनाने को टाइम भी नहीं लगता कब बनाए, ठीक है। तो पर ये भी चलो इधर उधर से इकट्ठा करके हो रहा है, ठीक है। तो मैं घबराती नहीं, मेरी जिंदगी की मैं हमेशा बहुत हिम्मत रखती हूँ, और जब कभी घबरा जाती हूँ ना तो फिर मैं अकेले में बहुत रोती हूँ, सच्ची बता रही हूँ। फिर पर मैं किसी को बताती नहीं कि मेरे को क्या टेंशन है, हाँ इतना जरूर है कि मैंने अपने घर वालों के लिए कोई टेंशन नहीं रखी है, कैसे क्या करना कहाँ से को कुछ भी है, वीडियोस भी डालनी, कंटिन्यू काम भी करना, गायों का भी करना। तो पता नहीं ये माता रानी हिम्मत देती है और ये गाय हिम्मत देती है मेरे को,
इतना आजकल वर्कलोड मेरे ऊपर ना, फिर से देखो फिर से लग गया मेरे को कॉलर। तो ये कॉलर आप लोगों को पता है कि मेरे को तभी लगता है जब हद हो जाती है। तो आप समझ लो कि आज हद हो गई थी, मैं 10-15 मिनट बैठी हूँगी, आधा घंटा एक घंटा रख लो। और मैं सुबह 5 बजे की जो उठी हूँ ना, वो मैं कंटिन्यू लगी हूँ, कंटिन्यू। तो देवता धार वाले की कृपा, माता रानी की कृपा, आप लोगों की दुआएं, मेरी गाय माता का आशीर्वाद है। तो बस ये सब कुछ है और मैं चल रही हूँ, और मैं चलूँगी जब तक भगवान चलाएगा, मैं चलूँगी। मैं सबको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, दिमाग से स्ट्रांग बनो। शरीर से तो कोई स्ट्रांग रहता नहीं, लेकिन दिमाग से अपनी सोच को स्ट्रांग रखो। बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं, आप लोगों को नहीं पता मेरे बारे में। सब यही सोचते हैं कि जैसे पहले थे वैसे ही हालात होंगे, या इनके पास पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी पहले भी नहीं, मैंने कभी दिखाया, कभी सिंपथी नहीं ली किस तरह की, हमदर्दी नहीं ली, शुरू से भी नहीं यूट्यूब पे, और अब भी नहीं। मुझे नहीं अच्छी चीज़ें लगती। देखो कमा के सब कुछ हो जाता है ना, ज़िंदगी में हार नहीं माननी पड़ती। कमा रही हूँ ना, एक गाय लाई अभी मैं, जब हमारा नया काउ शेड होगा ना, तो फिर वहाँ पे 4-5 गाय रखेंगे, फिर आपको मज़ा आएगा देखने में भी। बच्चियाँ भी होगी हमारी, गाय भी होगी 4-5, 40-50 लीटर दूध भी जाएगा, क्योंकि अब 10 लीटर इतना सा ही रखते हैं गाय। भाई महंगी गाय तो हम ला भी नहीं सकते हैं ना, उतना हमारा बजट भी नहीं होता। तो उसी हिसाब से जो है काम करना है, करूँगी, हमेशा करूँगी। और आजकल माफ़ करना, बस गप्पे मार के आप लोगों को ब्लॉग के नाम पे गप्पे मार देती हूँ, लेकिन माफ़ करना, ठीक है। तो हमारे गोइनी में नया मेंबर आ चुका है, कल से आ चुका है हमारे घर में नया मेहमान। तो चलो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, माता रानी आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां भरे, मैं यही चाहती हूँ। आपको निरोग रखें, कभी ज़िंदगी में कोई कष्ट ना आए, आपके सपने पूरे हों। और सपने पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और करना भी है। ज़िंदगी मिली है भाई, एक बार मिली है, खाओ पियो काम करो, बस ये है, और क्या करना है ना, फालतू की उसमें क्यों फंसना। तो चलो बातें बहुत सारी है, लेकिन अगली वीडियो में, अभी मुझे खाना बनाना है, अभी मुझे घास देना है अपनी गायों को। देखो रंभा रही है कि मैं, हमारे को घास दो, ठीक है। बहुत सारी दुआएं सबके लिए। और राजीव मॉम सोलन से एक हमारी दीदी, उन्होंने बहुत सारी दुआएं करी थी, शायद उन्होंने सुबह मेरा वो पार्ट देखा था वीडियो का, छोटा सा जो मैंने डाला था कि मेरे लिए दुआ करना, और उन्हें पता नहीं सोचा होगा, मैंने उनका ही कमेंट पढ़ा था, राजीव मॉम सोलन करके आईडी उनकी। तो उन्होंने बोला था कि मधु तू हमेशा स्वस्थ रहे, तुम और मैं यही चाहती हूँ भगवान से। थैंक यू सो मच दीदी, सोलन आऊँगी, ज़रूर मिलूँगी आपसे। जय माता दी, राम राम।